तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, अगर जिन लोगों को शरीर में चुनचुनाहट या फिर खुजलाहट या फिर पित्ती उछल जाती है, तो इसको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हम आपको ऐसी दवा बताएंगे कि एक ही बार में आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको दवा बताएंगे और इंजेक्शन बताएंगे और ऐसा किस कारण से होता है और ये क्यों होता है, आपको सब कुछ इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से सभी के बारे में समझ लेना है, उसके बाद ही आपको इसका यूज करना है, ठीक। और अगर दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कौन कौन सी दवा लेनी है और इंजेक्शन कौन सा यूज करना है इसमें, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों, दवा में क्या लेना है पहले ये जान लेते हैं, ठीक। उसके बाद इंजेक्शन में क्या यूज करना है ये बताएंगे। तो दोस्तों, दवा में आपको आईटी मैक 200 mg का कैप्सूल होता है, इसको ले लेना है, और एबिल टैबलेट ले लेना है, और सिटजिन ग्लैस्को कंपनी की टैबलेट ले लेना है, और एसीलाक 150 mg की टैबलेट ले लेना है, ठीक। आपको केवल इतनी चार दवा लेना है, ठीक। और अब चलिए दोस्तों, इसको कैसे खाना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इतनी दवा लेना है और आपको ये सुबह शाम कर खाना है, खाना खाने के बाद, ठीक। तो दोस्तों, आपको 4 दिन के लिए दवा ले लेनी है और सुबह शाम खा लेना है। आपको एक ही दिन में आराम मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरी दवा खा लेना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और अब चलिए दोस्तों, इंजेक्शन में क्या लेना है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों, आपको इंजेक्शन में एविल इंजेक्शन ले लेना है या फिर डेकाडान इंजेक्शन ले लेना है, ठीक। दोस्तों, ये इंजेक्शन आपको दिन में एक बार यूज करना है 2 दिनों तक, ठीक। लेकिन दोस्तों, आप जब भी इस इंजेक्शन का यूज करें, ध्यान रहे आपको ये इंजेक्शन IM में यूज करना है, ठीक। और आप इन दोनों इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगी लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो इस दौरान कोई भी मसालेदार चीज़ें या फिर ज़्यादा तेल वाली चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है, जैसे अंडा, मांस, मछली या फिर स्मोकिंग कुछ भी नहीं करना है लगभग 10 दिनों तक। और शरीर में कोई भी तेल नहीं लगाना है और नहाते वक्त कुनकुने पानी से आपको नहाना है। और आपको दोस्तों, इस समय डिटॉल साबुन का ही यूज करना है, ठीक। और अब चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं कि हमें ये सब प्रॉब्लम किस कारण से होती है, ठीक। तो दोस्तों, जिनके लीवर में प्रॉब्लम होती है या फिर गुर्दे की बीमारी होती है या फिर एनीमिया होता है या फिर डायबिटीज रहता है या फिर मल्टीपल माइलोमा या फिर लिम्फोमा या फिर चिंता, डिप्रेशन या फिर खाद्य पदार्थों से भी कुछ हो सकता है ये सब प्रॉब्लम, ठीक। मतलब कि जैसे कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ खाने पीने से भी हमको ये सब प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक। तो दोस्तों, आपको इस दवा से तुरंत तो आराम मिल जाएगा एक ही दिन में, लेकिन अगर जब तक दवा खाओ तभी तक आराम रहता है, उसके बाद फिर आपको वही प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि आपको किन कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो दोस्तों, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक। तो दोस्तों, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।